हाय फ्रेंड्स, ना पेर दारा सुनील कुमार। ईरोजु ईसीजीसी पीओ 2022 नोटिफिकेशन रिलीज अयिंदी। अंदुलो 75 वेकेंसीस रिलीज अय्यायि। सो आ नोटिफिकेशन कन्नगा मुंदुगा मनम ईसीजीसी पीओ 2021 लो जरिगिनटुवंटि एग्जाम योक्क अनालिसिस चूद्दाम। सो फस्ट आफ् आल नोटिफिकेशन द्वारा रिलीज अयिन वेकेंसीस वच्चेसि टोटल गा 59 वेकेंसीस रिलीज अय्यायि। अंदुलो ओकटि बैक्लाग्, मिगिलिन 58 रेग्युलर वेकेंसीस। इंदुलो वच्चेसी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 4 वेकेंसीज उन्नाई। सो लास्ट इयर रिलीज अयिन वेकेंसीज वच्चेसी टोटल गा 59 वेकेंसीज। सो मनम चूद्दाम आ 59 वेकेंसीज की एंतमंदि कैंडिडेट्स अप्लाई चेशारु। सो इक्कड मनम डेटा गा चूसुकुंटे ईसीजीसी वेबसाइट लो नुंचि डाउनलोड चेसिंदि। सो टोटल गा मनकु 1,01,132 मेंबर्स कैंडिडेट्स अप्लाई चेशारु। सो इक्कड मीरु कैटगरी वैज गा चूस्ते एससी कैटगरी आलमोस्ट 30,238, एसटी 9,214, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 22,256, ईडब्ल्यूएस 4,855, सो अनरिजर्व 34,568। सो ओवरऑल गा नीकु 1,01,132 कैंडिडेट्स अप्लाई चेशारु। सो इंतमंदि कैंडिडेट्स अप्लाई चेसिनप्पुडु वीळ्ळंदरू एग्जाम राशारा अनेदि मनं गमनिस्ते ईसीजीसी लोने वेबसाइट लो ओक डेटा उंदि, दानि इक्कड चूद्दाम। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, सो मन को ओवरऑल 1,01,132 कैंडिडेट्स अप्लाई चेस्ते एग्जाम की। अंदर एससी कैंडिडेट्स ओनली 12,000 मेंबर्स अपीयर अयारु, एसटी 3,473, ओबीसी 12,944, ईडब्ल्यूएस 2,917, अनरिजर्व 19,819। सो इला ओवरऑल चूसुकुंटे ओनली 51,234 मेंबर्स मात्रमे अपीयर अयारे एग्जाम की एक्चुअल गा। अंटे आलमोस्ट 100,000 मंदी अप्लाई चेस्ते ओनली 50,000 मंदी कैंडिडेट्स मात्रमे अटेंप्ट चेशारु एग्जाम नी, अंटे 50% कैंडिडेट्स मात्रमे अटेंप्ट चेशारु। सो लास्ट इयर अन्नी एग्जाम्स नीकु ओके एग्जाम्स अन्नी ओके लाइन लो जरगडम वल्ल कोंतमंदिकि सेंटर्स डिफिकल्टी उंडडम, सो चाला कारणाल वल्ल 50% मात्रमे अटेंडेंस उंदी। नेक्स्ट इयर गा गमनिस्ते मनम 28th ना आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम उंटुंदी, 29th ना ईसीजीसी पीओ एग्जाम उंटुंदी। सो एवरैना कूडा रेंडु एग्जाम्स की अप्लाई चेस्ते वाळ्ळकु डिफरेंट सेंटर्स पड़े अवकाशम उंदी। सो ई सारी कूडा मैक्सिमम अटेंडेंस पर्सेंटेज आल्मोस्ट इंते उंडे अवकाशम अयिते उंटुंदी। सो इदी, सो टोटल गा अप्लाई चेसिन कैंडिडेट्स 1,00,000 मेंबर्स, अटेंप्ट चेसिन कैंडिडेट्स 51,000 मेंबर्स। నెక్స్ట్ మనము కట్ ఆఫ్ చూద్దామండి. సో తక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నప్పుడు కట్ ఆఫ్ ఎంత పోతుంది అనేది. ఇక్కడ మనకు జర్నలిస్ట్ స్ట్రీమ్ కి టోటల్ గా కట్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు మనం గమనిస్తే. సో మీ అందరికీ తెలుసు టోటల్ గా 240 మార్క్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్. రీజనింగ్ వచ్చేసి 50 మార్క్స్ కి, ఇంగ్లీష్ 40, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ 20, జనరల్ అవేర్నెస్ 40 అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ 50. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కి యూఆర్ కి सेम कट ऑफ्स उन्नाई एंड ओबीसी एससी एसटी इंका मिगिलिन अंदरिकी आल्मोस्ट सेम उंदी कट ऑफ। सो ई एग्जाम लो आउट ऑफ इक्कड मनम ई टेबल नी बागा अर्थम चेसुकोवाली। फर्स्ट मनम ई 200 मार्क्स उंटुंदी कदंडी, ई 200 मार्क्स की इंडिविजुअल सेक्शन नी मनम फर्स्ट क्लियर चेयाली। सो इंडिविजुअल सेक्शन क्लियर अयिन तर्वात ई ऑब्जेक्टिव टोटल 200 उंटुंदी कदा, ई 200 मार्क्स की వాళ్ళు మెరిట్ ఇస్తారు. ఈ 200 మార్క్స్ కి మెరిట్ ఇస్తారు. ఎంత మంది క్యాండిడేట్స్ మెరిట్ ఇస్తారు అంటే మీకు చెప్పాను కదా 59 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో 10 టైమ్స్ ఆఫ్ ద వేకెన్సీస్ అంటే ఇంటూ 10 590. సో టోటల్ గా 50,000 మెంబర్స్ అటెంప్ట్ అయ్యింటే 200 మార్క్స్ కి మెరిట్ ఇస్తారు ఎంత మందిని, 590 మెంబర్స్ మాత్రమే. సో ఈ 590 మెంబర్స్ ని డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతోంది. సో 590 క్యాండిడేట్స్ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. सो ई डिस्क्रिप्टिव पेपर लो कट ऑफ इक्कड इच्चारु आल्मोस्ट 20-21 ने उंदी कट ऑफ आउट ऑफ 40 की. सो अप्पुडु नीकु ई ओक 200 की एंत मंदि अयिते 500 मेंबर्स नि तीसुकुंटाडु, आ 500 मेंबर्स वि डिस्क्रिप्टिव पेपर एवाल्युएट चेस्तारु. सो डिस्क्रिप्टिव पेपर 500 कैंडिडेट्स एवाल्युएट अयिन तर्वात टोटल गा 240 मार्क्स अवुतुंदी. सो ई 240 मार्क्स की मल्ली मेरिट दिस्ताडु, మళ్ళీ మెరిట్ తీసినప్పుడు ఈ కట్ ఆఫ్స్ వచ్చాయి 240 కి. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ కి అయితే 138.50 ఉంది, ఓబీసీకి 139.50, ఎస్సీకి 134.75,
ఎస్టీ కి 126.50 అండ్ రిజర్వ్డ్ కి 147.25 సో ఈ మార్క్స్ వచ్చేసి 240 మార్క్స్ కి సంబంధించి సో ఇక్కడ మీరు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒక మెయిన్ థింగ్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇండివిడ్యువల్ సెక్షన్స్ ఐదు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ఐదు సెక్షన్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి सो फाइव सेक्शन्स क्वालिफाई अर्वा ओवराल ओवराल आउट ऑफ 200 की 200 की एंतमंद कैंडिडेट्स 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज नेक्स्ट 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज वाला कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्टिव एवैल्युएट जरूरतुंदी डिस्क्रिप्टिव तरवा 240 की मल्ली मेरिट दिस्ताडु इक्कड नीकु 590 मेंबर्स लो मेरिट दीयडम अंटे एंतमंदिनि दिस्तारु अन्नदि इंटरव्यू की वाल 1:3 1:4 दाने पैन इंटरव्यू कैंडिडेट्स मन को शॉर्टलिस्ट जो सो इकते 240 मार्क्स की कटऑफ सो 200 मार्क्स सो ऑब्जेक्टिव 200 की मन एन मार्क्स मन पेपर डिस्क्रिप्टिव एवैल्युएट कावाली अंटे सो मेरे ना स्कोर कार्ड चूड़े पैन ऐ बटन क्लिक स्कोर कार्ड उ सो अंदर नैन 101.75 మార్క్స్ నేను స్కోర్ చేశాను సో ఈ 101.75 మార్క్స్ కి చేసినప్పటికీ కూడా నాక డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ అవాల్యుయేట్ కాలేదు ఎందుకంటే 200 కి అగ్రిగేట్ మెరిట్ తీసినప్పుడు నేను కట్ ఆఫ్ క్లియర్ చేయలేకపోయాను సో ఇప్పుడు ఆ కట్ ఆఫ్స్ ఎంత ఉన్నాయి అన్నది మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ గాని చూస్తే మీరు అవుట్ ఆఫ్ 200 సో అంటే ఇది ప్యూర్లీ ఆబ్జెక్టివ్ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లో ఎస్సీ కేటగిరీకి కట్ ఆఫ్ 103 ఉంది एसटी कैटेगरी की 96.25 ओबीसी की 110 ఉంది నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ 111.50 అండ్ అన్రిజర్వ్డ్ 118 ఉంది సో ఇవి 200 కి అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఒకటి సో మనకు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం 75 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అంటే ఎంత మంది క్యాండిడేట్స్ ఎగ్జామ్ రాసినా వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేసేది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఓన్లీ 750 మెంబర్స్ మాత్రమే सो ई 750 मेंबर्स लो मन उंडाली अंटे मनकु 200 मार्क्स की मंची मार्कुलु रावाली सो 200 मार्क्स की मनं ओकवेळ आउट आफ 200 की 130 गानी मनं स्कोर चेयगलिगिते ओके नी डिस्क्रिप्टिव एवाल्युएट अवुतुंदी अंड इक्कड नुव्वु एंत एक्कुव मार्जिन नुव्वु स्कोर चेयगलिगिते अवि नीकु फाइनल लो नीकु यूजफुल अवुतुंदी सो इक्कड 200 की मनकु इक्कड स्कोर कट ऑफ्स इच्चानु मीरु चूडोच्चु सो मीरु अनुकोवच्चु एग्जाक्टली 10% मेंबर्स ने डिस्क्रिप्टिव एवाल्युएट चेशारु एंदुकु अनेसि वाळ्ळु नोटिफिकेशन लो मेंशन चेशारु लास्ट इयर इक्कड डिस्क्लेमर इच्चाडु इन द अडवर्टाइज्मेंट द सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 11 रीड एज सो मार्क्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी रेकॉर्ड ऑन फॉर मेरिट लिस्टिंग इट विल ओनली बी एवाल्युएटेड फॉर दोस कैंडिडेट्स हू क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट एंड प्लेस्ड एडिक्वेटली हाई एज पर टोटल मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट So the various qualifying cutoff marks in each objective test and the descriptive paper will be decided by ECGC. So accordingly, the evaluation of descriptive paper has been restricted to 10 times of the vacancies. So, ippudu manam 2022 lo release aina notification lo 75 vacancies unnai. Ante ee 75 vacancies lallo oka laksha mandi gaani 2 lakshala mandi candidates rasinappudiki ओवराल वालू डिस्क्रिप्टिव पेपर एवाल्युएट ओनली 750 कैंडिडेट्स मात्रमे सो मनम फर्स्ट 750 कैंडिडेट्स लो उंडाली मन डिस्क्रिप्टिव पेपर एवाल्युएट कावाली आ तर्वात 750 मेंबर्स लो नुंची वाल इंटरव्यू की ओकवेळ 1:3 तीसुकोवालनुकुंटारो लेकपोते 1:4 तीसुकोवालनुकुंटारो दानी बेस चेसुकोनी मल्ली इक्कड ओक मेरिट लिस्ट दीस्तारु सो अंटे मनम ई एग्जाम नी क्रैक चेयालंटे फर्स्ट नुव्वु 5 सेक्शन्स क्लियर चेयाली तरवा ओवराल 200 की अग्रिगेट कट ऑफ क्लियर चेयाली आ तरवा नी डिस्क्रिप्टिव पेपर एवाल्युएट अयितुंदी आ तरवा मेरिट दिस्ताडु 240 की अप्पुडु आ मेरिट लो इंटरव्यू की वाळ्ळु एंत रेशियो अयिते तीसुकोवालनुकुंटुन्नारो आ रेशियो प्रकारं तीसुकुन्नप्पुडु दांट्लो मनं उंडाली अप्पुडु मात्रमे मनं इंटरव्यू की सेलेक्ट अयितां सो इदी 2021 कंप्लीट अनालिसिस मीकु एमैना डाउट्स उंटे मीरु कमेंट सेक्षन लो रायंडि नेनु कंपल्सरीगा मीकु रिप्लाई इस्तां थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है दारा सुनील कुमार आज ECGCPO 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है हम इस वीडियो के द्वारा 2021 का वैकेंसीज और वो सारी एग्जाम के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे सो जैसा ही आप यह स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं
2021 में हमें 59 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसमें 58 वैकेंसीज है रेगुलर और एक है ओबीसी, वो बैकलॉग वैकेंसी है। सो इसमें 59 वैकेंसी के अंदर चार वैकेंसीज है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। सो 2021 में ये 59 वैकेंसीज के लिए लगभग आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं 1 लाख, मतलब 1 लाख मेंबर्स इन्होंने फॉर्म भर दिया ये ECGC 59 वैकेंसीज के लिए। आप देख सकते हैं SC 30,000 है और ST 9,000 एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर 22,000 है एंड EWS 4,800 एंड अनरिजर्व 34,516 है। सो 2021 में 59 वैकेंसीज के लिए लगभग 1 लाख लोग तो अप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं नीचे कितने लोग एक्चुअल में अपीयर हुआ एग्जाम को। आप देख सकते हैं ना टोटल 51,234 कैंडिडेट्स ने ये एक्चुअल में एग्जाम को अपीयर हुआ, मतलब 1 लाख लोग फॉर्म भर दिया और इसमें सिर्फ ओनली 50,000 लोग अपीयर हुआ है, मतलब सिर्फ ओनली अटेंडेंस परसेंटेज है 50%। ठीक है, हम अभी डिस्कस करेंगे सो कट ऑफ के बारे में। आप यहाँ पे मैं कट ऑफ दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये ECGC PO का ECGC वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड किया है। सो जैसा आप लोग पता है रीजनिंग में आपको 50 मार्क्स होता है, इंग्लिश 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर 20, जनरल अवेयरनेस 40 एंड क्वांट 50 और डिस्क्रिप्टिव 40। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ दिया है ना टोटल कट ऑफ मार्क्स ये 240 मार्क्स का है। सो यहाँ पे ये टेबल के द्वारा हम ये पता मतलब ये अंडरस्टैंड करना है, पहला हमें हर 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हम इंडिविजुअल सेक्शन क्लियर करना है और उसके बाद ये 200 नंबर को है ना, ये 200 नंबर के कट ऑफ निकलता है ओवरऑल कट ऑफ। सो वो 200 नंबर का कट ऑफ हम देखेंगे नीचे यहाँ पे दिया है। सो कैटेगरी यहाँ पे 200 नंबर के लिए SC कैटेगरी को 103 मार्क्स, ST कैटेगरी 96.25, OBC 110, अनरिजर्व 118, EWS 111.50। मतलब जो भी कैंडिडेट्स 50,000 लोग अपीयर हुआ है ना उसमें जो भी कैंडिडेट्स आउट ऑफ 200 को ऑब्जेक्टिव में अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से इतना कट ऑफ पार कर लिया है तो उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना वो एवेल्युएट करता है। सो लास्ट ईयर में 59 वैकेंसीज है, सो 50,000 मेंबर्स अपीयर हुआ, लेकिन ये 50,000 मेंबर्स में सिर्फ ओनली 590 मेंबर्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर एवेल्युएट करता है जो ये 200 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर हुआ। सो आउट ऑफ 590 मेंबर्स यहाँ पे ऊपर हम देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का कट ऑफ लगभग सारी कैटेगरीज का 20-21 मार्क्स, इतना ज्यादा नहीं है। सो 200 मेंबर्स को नीचे कट ऑफ है और डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएट करने के बाद वो 240 बनेगा, वो 240 को इतना कट ऑफ चले गए। आप देख सकते हैं ना EWS को 138.50 एंड OBC 139.50, SC 134.75, ST 126.50, अनरिजर्व 147.25। मतलब इस साल भी हम नोटिफिकेशन में लिखा है ना 75 वैकेंसीज हैं। सो 75 वैकेंसीज का मतलब वो जितने भी एप्लीकेशंस फॉर्म भरता है उसमें जितना लोग अपीयर होता है उसमें सिर्फ ओनली जो मेरिट में आता है 750 मेंबर्स उनका पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर एवेल्युएट करेगा। सो आउट ऑफ दी 750 कैंडिडेट्स मान लो वो इंटरव्यू के लिए 1:3 ले रहा है, सो उसके मुताबिक 75 × 3 मतलब 225 मेंबर्स को ये 75 मेंबर्स से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। सो आउट ऑफ दिस 225 ओनली दे आर गोइंग टू सेलेक्ट 75 और वॉट एवर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब इस ECGC PO 2022 में अगर आप अपीयर करना चाहता है तो आप पहले दिमाग में ये फिट करो, हम पहले 5 सेक्शंस होता है वो 5 सेक्शंस को इंडिविजुअल सेक्शन क्लियर करना है, उसके बाद 200 मार्क्स का कट ऑफ निकलता है, वो 200 मार्क्स को कट ऑफ हम क्लियर करना, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर एवेल्युएट होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर एवेल्युएट होने के बाद 240 मार्क्स को
कट ऑफ निकलता है, वो 240 मार्क्स का आप कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। सो आफ्टर दैट ओनली यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारा चैनल पर जुड़े रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।